तो दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक नया वैकेंसी की अपडेट लेकर के आए हैं। झारखंड सरकार की वैकेंसी निकाला गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तरफ से यह वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि ऑल कैंडिडेट इस वैकेंसी को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, झारखंड के किसी भी जिले से तो आवेदन कर पाएंगे। सैलरी देखिए 50,000 रुपये पर मंथ आप लोगों को सैलरी दी जाएगी। कम से कम आप 10th पास किए हो तो इस वैकेंसी को आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अप्लाई प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, डिटेल, एज लिमिट, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोस्ट क्या क्या निकाला गया है इस वैकेंसी के अंतर्गत। यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आई है, देखिए टेस्ट इंजीनियरिंग के लिए निकाला गया है, जो कि बीटेक प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग देख करके आवेदन कर सकते हैं टेस्ट इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। देखिए असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आप आवेदन करेंगे तो बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या फिर देखिए डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग देख करके आवेदन कर सकेंगे। टेक्नीशियन के लिए बात करें तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए तो देखिए ITI इन डीजल मैकेनिक से, या फिर देखिए मोटर मैकेनिक से, फार्म मैकेनिक से, एग्रीकल्चर मैकेनिक से, या फिर इसके बराबर कोई डिग्री है देकर के आवेदन कर सकते हैं। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगला पोस्ट है देखिए स्किल्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट कम से कम 10वीं पास किए हुए हैं तो इस वैकेंसी को आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट, कोई भी ज़रूरत नहीं यहाँ पर एक्सपीरियंस का। चलिए बात करते हैं, तो यहाँ पर एज लिमिट आप लोग का जो है एज क्या रखा गया है पोस्ट के लिए। तो देखिए मिनिमम आपका जो है 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 35 वर्ष तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एज में आप लोग का छूट दिया गया है गवर्नमेंट रूल के अनुसार। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप लोग जो है मेरिट के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। पहले मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, फिर इंटरव्यू के बाद आप लोग का जो है सिलेक्शन होगा। इसमें देखिए आप लोगों को पेमेंट भी लग रही है। जनरल OBC WS के लिए 500 रुपये है, SC ST के लिए 200 रुपये है। पेमेंट आप लोगों को जो है इस एड्रेस पर देखिए मतलब आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करनी है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियरिंग JAMTTC रांची के अंतर इस एड्रेस पर आप लोगों को जो है पेमेंट को आपको जो है देनी है, यानी डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों बात करें, 12 जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गई है और 1 अगस्त तक आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से। ठीक है, फॉर्म को आप लोग जो है पहले डाउनलोड कर लेंगे, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म को देखिए आप लोगों को जो है साफ साफ भर लेनी है। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको देखिए चिपका देनी है सेल्फ अटेस्टेड करके। डिमांड ड्राफ्ट भी देखिए इसको उस पर जो है लगा देनी है। और ध्यान रखिएगा सो इस एड्रेस पर देखिए आप लोगों को जो है सेंड कर देनी है, ये रहा आप लोगों का पूरा एड्रेस, जो कि 1 अगस्त तक आप लोगों का जो है पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट या फिर देखिए बाय हैंड भी जा करके जो है जमा कर सकते हैं। तो चलिए सो अपडेट रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नया वैकेंसी अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।